हेलो गाइस, मैं हूँ आराधना। स्वागत है आपका कोहिनास कॉर्नर में। तो गाइस, आज की जो आपके लिए मैं रेसिपी लाई हूँ, आज का जो वीडियो है वो ऐसा वीडियो है बहुत काम आने वाला, क्योंकि आजकल मॉर्निंग में टिफिन बनाने की सबको बहुत जल्दी रहती है। तो आज एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो जो 5 से 7 मिनट लगेगी आपकी बनने में, और उसमें इंग्रेडिएंट जो है बहुत लिमिटेड इस्तेमाल होते हैं, तो आप उस रेसिपी को झटपट टिफिन के लिए रेडी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है, कौन सी रेसिपी है जिसे हम मॉर्निंग में झटपट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, ये रहा सरप्राइज, हम बना रहे हैं कच्चे केले की सब्जी। तो ये मैं ड्राई बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत कम टाइम लेगी आपका बनने में, और इसकी तैयारी करने में भी आपका बहुत कम समय जो है वो जाने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेन हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे केला 1/2 kg है मेरे पास। हरी मिर्ची ली है मैंने, स्लिट करके ली है, 2 मिर्ची हैं ये। एक प्याज कटा हुआ है बारीक। थोड़ी सी लेंगे हम मस्टर्ड सीड्स या राई, जीरा, सूखी हुई 2 मैंने ली है लाल मिर्ची, और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हम थोड़े से मसाले और इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रिपरेशन आपको सिर्फ इतनी ही करके रखनी है। तो चलिए फटाफट से इसको कट करते हैं और नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं। कट करने का तरीका क्या है, इसे हम इसका हेड पार्ट टेल पार्ट निकाल देंगे, और हमें सिंपली क्या करना है, इसे इस तरह से पील कर लेना है। तो गाइस, इसका एक ध्यान और रखें, जैसे ही आप बनाने वाले हो उसी समय इसे कट करें, नहीं तो ये रखे रखे आपका काला पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपको थोड़ा समय लग रहा हो तो डायरेक्ट इसे काट कर पानी में डाल दें, नहीं तो बेस्ट है जैसे बनाने को हो आप उसी समय से काट लें, और काटना भी इसे बहुत आसान है, बड़ी जल्दी जल्दी ये आपका कट जाता है। तो यहाँ हमने ये छील लिया पूरा, ये मैंने पहले से वॉश करके रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसे इस तरह से कट करेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से हम ये सारे तो गाइस, ये हमारी चॉपिंग डन। अब यहाँ चलते हैं गैस की ओर। मैंने पैन में लिए हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, जिसे अच्छे से गरम करना है। गरम करने के बाद डाल देंगे हम इसमें मस्टर्ड सीड, जीरा। जब जीरा आपका अच्छे से स्प्रेडर हो जाए तब इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को हमें काफ़ी अच्छे से भूनना है ब्राउन होने तक। जब अच्छे से ब्राउन हो जाए तब डालेंगे इसमें हरी मिर्ची और साउथ वाली लाल मिर्च, हल्का सा चला देंगे। इसके बाद हमें ऐड करना है बनाना। गाइस, अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लेना है, उसके बाद आप भूनने के बाद फिर बनाना ऐड करें। पर मैं यहाँ पर भुना हुआ पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं बाद में डालूँगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें, चला लें। अब इसमें डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम पूरी सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे। चलाते हुए हमें काफ़ी अच्छे से बनाना को भून लेना है, फ्राई करना है। तो हम क्या करेंगे, लिड को लगा देंगे और हर थोड़ी देर के बाद लिड को हटाकर आप इसे बार बार चलाते जाएं। हल्का हल्का ब्राउन सा कलर जो है बनाना के ऊपर आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि बनाना हमारे काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, और हल्का हल्का सॉफ्टनेस भी बनाना में आ गई है। तो आपको कवर करना है, पकाना है, इसे बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता है, बहुत अच्छे से आपका फ्राई हो चुका है। अब बारी आती है इसमें ड्राई वाले मसालों को ऐड करने की। तो हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 1 चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही टेम्पटिंग आता है, बहुत ही सुंदर आता है। तो काफ़ी अच्छे से मिला लेना है हमें, और मिलाते हुए हम यहाँ पर 1 से 2 मिनट देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो हमारे ड्राई वाले मसाले हैं वो भी बहुत अच्छे से सब्जी में पक जाएं, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं।
तो यहाँ देखिए कितना टेम्पटिंग सा कलर आया है, बहुत ही अच्छी हमारी ये सब्जी बनकर रेडी हुई है। अब हमारा बचता है इसमें लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या है, आप इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला। इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे, हल्का सा भून लेंगे और ये सब्जी हमारी प्लेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो गाइस इसे ज़रूर से बनाएं, ये बहुत ही झटपट बनती है और बहुत ही यमी। आप इसे एक बार बनाओगे, आप इसे बार बार रिपीट करोगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है हमारी सब्जी। सो गाइस, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था 5 से 7 मिनट में बन जाएगी, तो इससे कम ही टाइम आपका लगने वाला है बनाने में। तो देखिए गर्मा गर्म सब्जी रेडी है। तो हल्का सा मैं इसको आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ कि देखिए कितनी बढ़िया, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी और हेल्दी भी। हमने ऑयल बहुत कम इस्तेमाल किया है। अमेजिंग, बहुत अच्छी लगने वाली है। आप भी ट्राई करें और कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।